विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। आज आप धोरण 11 विषय फिलॉसॉफी चैप्टर नंबर 6 वीडियो नंबर 3 में ज्ञान मीमांसा अभ्यास करीशू। तो ज्ञान उद्भव, ज्ञान विषय, ज्ञान क्षेत्रों, ज्ञान प्रकारों, तेनु प्रामाण्य और ज्ञान की मर्यादाओं, आ विषयों ज्ञान मीमांसा में विषयों हो। तो ज्ञान मीमांसा विषयों क्या क्या है? तो ज्ञान उद्भव, तेनो विषय, क्षेत्र, प्रकारों, प्रामाण्य तेमज मर्यादाओं। ज्ञान मीमांसा संबंध ज्ञान की शक्यताओं, तेना विविध प्रकारों, ज्ञान प्राप्ति साधनों और ज्ञान प्रमाण ने स्थापना है। एटले कि ज्ञान विषयों अनेक है, जेमा केटलाक प्रत्यक्ष विषयों, केटलाक अप्रत्यक्ष। तो ज्ञान बे विषयों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दाखला तरीके टेबल, खुर्शी वगैरह प्रत्यक्ष है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रत्यक्ष नहीं। आम प्रत्यक्ष विषय ज्ञान अपन सीधे सीधे प्राप्त थाय, ज्ञान विषय में प्रत्येक विषय ज्ञान अपन सीधे सीधे प्राप्त थाय, जैसे परोक्ष विषय ज्ञान सीधे सीधे प्राप्त होत नहीं। तो ज्ञान मीमांसा महत्व प्रश्नों नीचे मुजब से। ज्ञान एटले शू? विवेक बुद्धि द्वारा मेळवेलू संपूर्ण रीते योग्य माहिती, तो तेने ज्ञान कही शकाय। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान प्रकारों के, ज्ञान की संभावना के, ज्ञान मेळवाना साधनों कया कया है, बाह्य जगत ज्ञान आपने केवी रीते थाय, ज्ञान मूल्य शू है, ज्ञान प्रक्रिया में ज्ञाता महत्व शू है, ज्ञान अर्थघटन कई रीते थाय। त्यार पछी है मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा मानव मूल्य अंगे विचारणा करे। तो मानव मूल्य वच्चे विचारणा कई मीमांसा करे? तो मूल्य मीमांसा। तो मानव मूल्य की विचारणा कोण करे? मूल्य मीमांसा। मानव मूल्य बे प्रकारना है। तो मानवना मूल्य केटला प्रकारना है? तो बे प्रकारना है। कया कया? आचरणलक्षी मूल्य और सौंदर्यलक्षी मूल्य। तो आचरणलक्षी मूल्यों अभ्यास में नीतिशास्त्र करे। तो आचरणलक्षी मूल्यों अभ्यास कयु शास्त्र करे? नीतिशास्त्र। और सौंदर्यलक्षी मूल्यों अभ्यास सौंदर्यशास्त्र करे। तो सौंदर्यलक्षी मूल्यों अभ्यास कयु शास्त्र करे? सौंदर्यशास्त्र। और आचरणलक्षी मूल्यों अभ्यास नीतिशास्त्र करे। तो पहलू आप जो है नीतिशास्त्र, आपने जो कि नीतिशास्त्र आचरणलक्षी मूल्यों अभ्यास करे। तो नीतिशास्त्र शेनो अभ्यास करे? तो आचरणलक्षी मूल्यों अभ्यास नीतिशास्त्र करे। नीतिशास्त्र मानव वर्तुणकन मूल्यांकन, एट्ले कि मानव वर्तुणकनी कोईपण बाबत, वर्तन व्यवहार की बाबत मूल्यांकन करे। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में मानव मानव वच्चे पारस्परिक संबंध एट्ले कि आदान प्रदान की क्रिया थती हो। आ संबंधों द्वारा कया मूल्यों विकसे है और कया मूल्यों आदान प्रदान की क्रिया द्वारा स्थपाय, व्यक्तिए कया मूल्यों स्थापन करवू जी वगैरह प्रश्नों की विचारणा नीतिशास्त्र करे। तो मानव मानव वच्चे कया मूल्यों स्थपावा जीए, शेनु आदान प्रदान थाय वगैरह प्रश्नों की विचारणा नीतिशास्त्र करवामां आवे छे। तो नीतिशास्त्रना प्रश्नों जोईए कि नीति एटले शू? कर्म ने आधीन चोक्कस काम। मानव कर्म करवा माटे स्वतंत्र छे। मानव जीवन अंतिम ध्येय शू छे? मोक्ष प्राप्ति। समाजे कया मूल्यों स्थापन करवू जोईए? समाज स्वीकार्य। मानव समाज आदर्शों कया है? धर्म ने आधीत। मानव कर्म की नैतिकता निर्णय कई रीते लई शकाय? तेमज मानव जीवन नैतिक आदर्शों अंतिम आदर्शों कया कया है? मानवीनी प्रगति, नैतिक प्रगति मापन कई रीते थई शके? मानवना अनैतिक कर्मों ने कई रीते समझावी शकाय? त्यार पछीनु शास्त्र छे सौंदर्यशास्त्र। तो सौंदर्यशास्त्र कला के सौंदर्य अंगेनी विचारणानु मूल्यांकन करे छे। तो सौंदर्यशास्त्र शेनु मूल्यांकन करे छे? तो कला के सौंदर्य अंगेनी विचारणानु मूल्यांकन करे छे। तो सौंदर्यशास्त्र केनु मूल्यांकन करे छे? सौंदर्यशास्त्र सौंदर्य अंगेनी विचारणा के तेनु मूल्यांकन करे छे। आ विचारणा द्वारा कलानु स्वरूप समझवानो प्रयत्न करवामां आवे छे। એટલે સૌંદર્યશાસ્ત્ર દ્વારા વિવિધ કલાઓનું સ્વરૂપ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે। આથી સૌંદર્યશાસ્ત્રને કલાના વિષયો, કલા જગત કે સૌંદર્યલક્ષી વિચારણા પણ કહે છે। એટલે કે સૌંદર્યશાસ્ત્રને સૌંદર્યલક્ષી વિચારણા પણ કહે છે। સૌંદર્યશાસ્ત્રના પ્રશ્નો આપણે જોઈશું। તો કલા કોને કહેવાય? કલાના રૂપો કયા કયા છે?
કલાના મૂલ્યાંકન પાછળનો તર્ક શું છે, તેમજ કલાના વિષયોની વિશેષતા શું છે, કલાની સર્જનશીલતાને કઈ રીતે સમજી શકાય, કલાકૃતિ ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવે છે, કલા વ્યક્તિલક્ષી છે કે વસ્તુલક્ષી, કલાને નીતિ સાથે શું સંબંધ છે, કલા કલાકાર અને કલાકૃતિ વચ્ચે કયો સંબંધ છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌંદર્યલક્ષી શાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને જ્ઞાન મીમાંસા આ ત્રણેય પ્રશ્નો અને મૂલ્ય મીમાંસા આ પ્રશ્ન લખીને મોઢે કરવાના રહેશે. પ્રણામ અસ્તુ.